हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। और जैसा कि आज 8 फरवरी है और इस दिन मैं लेके आया हूं हिस्ट्री ऑफ द डे, यानी कि आज का इतिहास क्या महत्व रखता है 8 फरवरी इंडियन हिस्ट्री में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डेफिनेटली आज के इतिहास में हम डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में जानेंगे, क्योंकि 8 फरवरी के दिन में ही उनका हैदराबाद में जन्म हुआ था। 1897 में, यानी 1897 में उनका जन्म हुआ था, जो कि आज तेलंगाना में स्थित है हैदराबाद। तो 8 फरवरी का दिन काफी इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लाइफ में। जो हमारे तीसरे हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा इसमें, और उनके जीवनी के बारे में सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं, बल्कि अब उनके पॉलिटिकल करियर में और वो किन किन चीजों पे आसीन हुए थे, उन सारी अचीवमेंट्स को भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। वैसे मैं बता दूं कि 8 फरवरी का जो हिस्ट्री है, इसे आज के समय में लोग कुछ अलग ही तरीके से मनाते हैं। जैसा कि वेस्टर्न कल्चर के थ्रू अगर देखा जाए, तो 8 फरवरी को आज प्रपोज डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो थोड़ा सा हटके है, और अपने कल्चर में रह के इन सारी चीज़ों को जानना बड़ी ज़रूरी होता है। तो आज हम जानेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में, कौन थे वो। देखते हैं यहाँ पे कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वो भारत के तीसरे प्रेसिडेंट थे, और वो एक एजुकेशनिस्ट भी थे, यानी वो लेक्चरर थे, यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर भी लिया करते थे। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, जो कि उस टाइम पे आंध्र प्रदेश में था, बट इस टाइम पे वो तेलंगाना में है। आगे देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 13 मई 1967 अंटिल हिज डेथ ऑन 3 मई 1969। जी बिल्कुल, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि तीसरे प्रधानमंत्री थे, वो 13 मई 1967 को भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए, और तब तक रहे जब उनकी मृत्यु हो गई 2 सालों में, जो कि 3 मई 1969 को उनकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। इसके पहले वो बिहार के गवर्नर रह चुके थे, जो कि 1957 से 1962 के बीच में रहे थे, और वो प्रीवियसली वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे इंडिया के 1962 से 1967 के बीच में। वो एक कांग्रेस के लीडर थे, जो कि बहुत ही साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति थे। वो गांधी जी को भी फॉलो करते थे, और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे अपने जीवन में, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि यूनिवर्सिटी आज दिल्ली में सिचुएटेड है, उसके को फाउंडर भी वो कहे जाते हैं, और साथ में वो वहां के वाइस चांसलर भी रहे थे 1928 से। बता दें यहाँ पे कि उनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था, मृत्यु 3 मई 1969 को नई दिल्ली में हुई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में किताबें लिखी थी, जिनमें से उनकी प्रमुख किताबें थी लिटिल चिकन इन हरी, ब्लोविंग हॉट, ब्लोविंग कोल्ड, और इस तरह की और भी बुकें उन्होंने लिखी थी। एजुकेशन के बारे में देखा जाए, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, फिर वो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ाई किया था। इसके बाद बता दूं कि उनको अवार्ड्स भी मिले थे, जिसमें उन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला था, पद्म विभूषण का भी अवार्ड उनको मिला था। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत रत्न का अवार्ड है, वो भारत का सबसे प्रमुख सिविलियन अवार्ड है, जिसे किसी कार्य क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। इस टाइम पे अगर एट द लास्ट टाइम पे देखा जाए, तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। तो जाकिर हुसैन जी को भी इसी तरह से भारत रत्न का अवार्ड मिला था, उसके बाद उन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है। उनके पेरेंट्स के बारे में कहा जाए, तो फिदा हुसैन खान जी उनके पिताजी थे, और नाजनीन बेगम उनकी माता थी। आगे देखते हैं उनके करियर के बारे में, कि कब कब उन्होंने कौन कौन सी पदवी हासिल की थी, इस चीज के बारे में जानेंगे, और साथ में जानेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में, कि वो किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम किए थे, क्या उनकी उपलब्धियां थी, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे।
आगे बता दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन उच्च शिक्षा के लिए विदेश यानी कि जर्मनी गए थे, परंतु वहां से वो जल्दी ही लौट आए थे क्योंकि भारत के हालात कुछ ठीक नहीं थे उस टाइम पे। तो जब वे वापस आए जर्मनी से तो उन्होंने उसी टाइम पे जामिया मिलिया इस्लामिया को अपना शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान किया था, और विश्वविद्यालय वर्ष 1927 में जो कि बंद होने के कगार पे था ये जामिया इस्लामिया, तो उसको इन्होंने फिर से शुरू करने की हिमाकत की थी और उसे फिर से शुरुआत करने में सफलता भी पाई थी। और इनके प्रयासों की वजह से ही यह शैक्षिक संस्थान अपनी लोकप्रियता को बरकरार करने में कामयाब हुआ था और आज तक एक अच्छा कार्य भी कर रहा है। उन्होंने लगातार अपना समर्थन देना जारी रखा था इस यूनिवर्सिटी को, और 21 वर्षों तक संस्था को अपने शैक्षिक और प्रबंधक के नेतृत्व में इन्होंने प्रदान किया था, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, धनाढ्य परिवार से बिलोंग करते थे, तो बिल्कुल कुछ भी इस तरह की दिक्कतें नहीं थी। और इस तरह से इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को पूरा सपोर्ट दिया था, और इनकी सपोर्ट के बदौलत उस टाइम पे वो यूनिवर्सिटी फिर से अपनी शैक्षिक क्रियाविधि को कायम करने में सफलता प्राप्त की थी। और एक चीज और बता दूं कि एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने महात्मा गांधी और हाकिम अजमल खान के आदर्शों को भी प्रचारित किया था। उन्होंने वर्ष 1930 के दशक के मध्य में देश के कई शैक्षिक सुधार भी किए थे, आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। ये एक स्वतंत्र भारत के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे थे। जब अलीगढ़ मुस्लिम का स्थापना हुआ था उसके बाद से, मतलब जब ये प्रेसिडेंट बनने से पहले वहां के कुलाधिपति भी रहे थे। उसके बाद ये वाइस चांसलर के रूप में भी इन्होंने पाकिस्तान के एक अलग देश बनाने के समर्थन में इन्होंने अंदर कार्य एक शिक्षक के रूप में इन्होंने उसका सपोर्ट भी किया था। साथ में बता दूं कि इन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि अलीगढ़ मुस्लिम के कुलाधिपति के रूप में अपने कार्यकाल के अंत में राज्यसभा के लिए भी ये मनोनीत किए गए थे, और 1956 में भारत के संसद के सदस्य भी बने थे। वे केवल एक वर्ष के लिए बिहार के राज्यपाल भी बनाए गए थे, जो कि बता दूं कि वो 1957 से 1962 में वहां के गवर्नर, बिहार के गवर्नर के रूप में आसीन हुए थे। सबसे पहले मतलब 1 साल के लिए बनाए थे, लेकिन उसके बाद इनको 5 सालों के लिए इनकी पदवी को बरकरार कर दिया गया था। और इसी के साथ ही इनके कार्यों को देखते हुए ही इन्हें 1963 में भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ में बता दूं कि दिल्ली, कोलकाता, अलीगढ़, इलाहाबाद और काहिरा विश्वविद्यालय में इन्होंने डीलिट की भी उपाधि से सम्मानित किया गया था इनको। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के अंत के साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन 5 वर्ष की अवधि के लिए देश के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए थे, जो कि 13 मई 1962 से लेके 12 मई 1967 तक ये रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने कार्य भी किया था। इस प्रकार वे भारत के ऐसे पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जो कि राष्ट्रपति बने थे, और उन्होंने 5 सालों तक, मतलब 5 साल नहीं, सिर्फ 3 साल तक, 1967 से लेके 1969 तक उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद ये दूसरे प्रेसिडेंट थे इंडिया के। इस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के संसद को गौरवान्वित करने के लिए अनेकों काम किए थे। इसके बाद देखते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का व्यक्तित्व कैसा था। एक्चुअली देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, और उनको अनुशासन बहुत ही पसंद था। और इनकी अनुशासन प्रियता के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं उनकी एक कहानी सुनाता हूँ यहाँ पे, जो उन्होंने एक प्रैक्टिकली एक बताया था लोगों को कि कैसे अनुशासन को फॉलो किया जा सकता है। यह उस समय की बात है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति थे, तो उनको अनुशासन क्योंकि अच्छा था इसलिए उन्होंने एक नोटिस जारी किया छात्रों को कि सभी लोग अत्यंत अनुशासन में रहें और साफ सुथरे कपड़े पहन के आए, साथ में जूते को एकदम पॉलिश करके आना चाहिए। लेकिन इनको नोटिस देने के बावजूद भी छात्रों ने इनकी बात नहीं मानी, और वो अपने मन मुताबिक कॉलेज में या विश्वविद्यालय में आया करते थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारी बात को अवहेलना की जा रही है और कोई इसको फॉलो ही नहीं कर रहा है, सब छात्र अपनी मनमर्जी से ही चलते आ रहे हैं, तो
इन्होंने उस अनुशासन को देखा कि बिगड़ रहा है, तो इसलिए उन्होंने एक स्ट्रिक्ट कदम न उठाते हुए एक ऐसा कार्य किया, एक प्रैक्टिकल वर्क किया, जिसकी वजह से छात्रों ने अपने आप ही अपने को अनुशासन में ढाल लिया। और वो काम ये था कि अगले दिन डॉक्टर जाकिर हुसैन जी खुद ही शू पॉलिश लेके गेट के जो यूनिवर्सिटी थी उसके दरवाजे पे बैठ गए और जितने भी स्टूडेंट आए जिनके भी शूज पॉलिश नहीं थे, सबका शूज पॉलिश करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट खुद ही शर्मिंदगी के महसूस करने लगे और उन्होंने अगले ही दिन से अनुशासन में रहते हुए प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के, शूज पॉलिश एकदम नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के आने लगे। तो इस तरह से ये पता चलता है कि इनकी व्यक्तित्व कैसी थी, इनकी छवि कैसी थी, एक साफ सुथरी छवि, साफ सुथरे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। तो कुछ ऐसा था इनका व्यक्तित्व जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का आज उनकी जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पे मैं उनको सशत नमन करता हूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल मुझे बताइएगा कि डॉक्टर हुसैन जी के अगर आप फॉलोअर्स हैं, अगर आप उन्हें मानते हैं तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे और खूब ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि लोगों को इनके व्यक्तित्व के बारे में पता चले, जो लोग भूलते जा रहे हैं अपने संस्कृति को, अपने पास्ट के वे व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत काम किया है। तो हमें भूलने की जरूरत नहीं है, अगर प्रपोज डेज आज सेलिब्रेट करना है तो इनको प्रपोज करके देखो, इन्हें इतना शेयर कर दो कि इनकी सबके जुबान पे इनकी बात आ जाए और आज 8 फरवरी इनके नाम पे सेलिब्रेट किया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिले। एक बार फिर से धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।